राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने साजिश मास्टरमाइंड समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के मुताबिक मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन अहमद ताहा को बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। दोनों यहां एक ठिकाना बनाकर छिपे हुए थे। ठिकाने का पता लगाकर एनआईए की टीम ने उन्हें धर दबोचा। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि शाजिब भी वो व्यक्ति है जिसने कैफे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रखा था। इसके अलावा ताहा विस्फोट की साजिश रचना और उसे अंजाम देने का मास्टरमाइंड था। एक अधिकारी ने बताया कि 12 अप्रैल की सुबह फरार आरोपियों अब्दुल मतीन ताहा और मुसाफिर हुसैन शाजिब को कोलकाता के पास देखा गया। यहां पर आरोपी पहचान बदलकर छिपे हुए थे। एनआईए को केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अलावा पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल पुलिस का पूरा सहयोग मिला। राज्य पुलिस एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से आरोपियों को पकड़ने में सफल रही। एनआईए ने पिछले महीने इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 10-10 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था। इससे पहले 1 मार्च को बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड के PL रोड स्थित कैफे में एक IED विस्फोट हुआ था। NIA ने 3 मार्च को जांच अपने हाथ में ली थी। मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कोई भी उससे बच नहीं सकता, अपराधी पकड़े गए हैं। ये ऐसी बात है जो लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए उत्साहजनक होनी चाहिए। भारत एक महान देश है और बंगाल उसका एक जाना माना अंग है। यदि कोई अपराधी भारत में कहीं भी छिपने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही सबक है।